अनु कपूर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता है। अनु कपूर का जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल के एक पंजाबी परिवार में हुआ। आज वो पूरे 67 साल के हो गए हैं। अनु कपूर महज एक एक्टर नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन डायरेक्टर, फिल्म मेकर और साथ ही साथ सिंगर भी है। उन्होंने बहुत से टीवी शोज में काम किया है और इसी के अलावा उन्होंने कई सारी बेहतरीन बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। टीवी शो अंताक्षरी को होस्ट कर अनु कपूर घर घर में मशहूर हुए। वहीं उन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में भी यादगार रोल किए। अनु कपूर ने हम एक रुका हुआ फैसला, राम लखन घायल, हम किसी से कम नहीं, एतराज, सात खून माफ और जॉली LLB 2 जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। दर्शक उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी नवीनतम फिल्म चेहरे है जो 2021 में रिलीज हुई थी। आयुष्मान खुराना की विकी डोनर में शानदार एक्टिंग के लिए अनु कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। भले ही अनु कपूर को बतौर लीड एक्टर फिल्में नहीं मिली लेकिन कैरेक्टर रोल्स करके भी दर्शकों के दिल पर छाए रहे। अनु कपूर एक एक्टर के तौर पर बहुत कामयाब रहे। उनकी निजी जिंदगी भी चर्चाओं में रही। उन्होंने 3 शादी की। अनु कपूर की पहली शादी अनुपमा नाम की महिला से हुई थी लेकिन फिर बाद में उनका तलाक हो गया था और उनकी पत्नी अमेरिका चली गई थी। इसके बाद टीवी शो अंताक्षरी के सेट पर उनका अफेयर अरुणिता नाम की महिला से शुरू हुआ और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। 2001 में दोनों की एक बेटी हुई। उसी दौरान अनु कपूर एक बार फिर पहली पत्नी अनुपमा के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनका अफेयर अपनी एक्स वाइफ से शुरू हो गया। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी ने अनु कपूर पर बहुत संगीन आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पहली पत्नी से दोबारा संबंध बनाने के बाद अनु कपूर ने उन्हें आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी थी। मुंबई में वो अनु कपूर के ओशीवारा वाले फ्लैट में अपनी 5 की बेटी के साथ रहती थी और अनु उन्हें वो फ्लैट खाली करने को कहते थे। उस दौरान वो अपनी एक्स वाइफ से होटल में मिला करते थे। जब उनकी दूसरी पत्नी को लगा कि अनु नहीं सुधरने वाले हैं तो उन्होंने पति को तलाक दे दिया। अनु कपूर और उनकी पत्नी अरुणिता का तलाक साल 2008 में हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही एक्टर ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा शादी कर ली थी। अनु कपूर के 4 बच्चे हैं, अनुपमा और अनु के 3 बेटे इवाम, कवान और माहिर है। वहीं अरुणिता से उनकी बेटी आराधिता कपूर है जिससे वो कभी कभार मिलते रहते हैं। पिछले दिनों अनु कपूर को दिल्ली में हार्ट अटैक आया था। 26 जनवरी की सुबह अनु कपूर को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद अभिनेता को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में अनु कपूर का इलाज चला और कुछ दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। बीते दिनों एक्टर 2 चोरी और धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर के महीने में एक ऑनलाइन स्कैम के शिकार हो गए थे अनु, जिसके चलते अनु कपूर के साथ लगभग 4,36,000 की ऑनलाइन ठगी हुई थी। हालांकि पुलिस की मदद से अनु को करीब 3,08,000 रुपए वापस मिल गए थे। इससे पहले बीते साल जून में अभिनेता फ्रांस में भी चोरी का शिकार हो गए थे। जब अनु कपूर ट्रेन से अपना सामान चढ़ा रहे थे तभी एक शख्स अभिनेता की मदद करने के बहाने से उनका एक कीमती सामान से भरा बैग लेकर भाग गया था जिसमें उनके पैसे, पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अभिनेता ने अपने साथ हुई इस चोरी का जिक्र खुद एक वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।